हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। डीपर व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग किस पे होने वाला है? आज का व्लॉग होने वाला है, हमने जो माइक खरीदा, दो माइक खरीदे, दोनों बोया के ही हैं। एक तो है बोया MM1 और एक है बोया M1। एक इसके ऊपर ही अटैच हो जाएगा और एक है वायर वाला। तो देखते हैं दोनों में से किसकी आवाज़ बढ़िया आती है। फिलहाल जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो मोबाइल की इंटरनल माइक से वॉइस सुन रहे हैं हमारी। इसके बाद जो सुनेंगे, इसके बाद हम माइक अटैच करेंगे, उसके बारे में बताएंगे किसकी आवाज़ बढ़िया आ रही है, किससे नहीं आ रही है। फिलहाल तो आप फोन के माइक से एंजॉय कीजिए। तो ये है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ हम वर्क करते हैं, उसका पूरी गाँव, चारों तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे, किस मोबाइल के द्वारा रिकॉर्ड किए, माइक भाई के सुन रहे थे। अब आपको जो दूसरे माइक की आवाज़ सुनाएंगे हम, वो होगा ये वाला माइक। इस माइक के ज़रिए जो हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, उसमें आपको बताना है कि क्वालिटी कौन सी बेहतर हो रही है। तो हम आपको थोड़ी देर में इस माइक की आवाज़ को सुनवाते हैं। हाँ तो जी, जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है बोया का BY-M1 माइक एक्सटर्नल। जिस अभी जो थोड़ी देर पहले भूपेंद्र जी की आवाज़ आपने सुनी थी, वो मोबाइल के इनबिल्ट माइक से थी, और अभी जो आप सुन रहे हैं बोया के BY-M1 माइक से सुन रहे हैं। अब डिफरेंस जो है वो आपको बताना है। पहले मैंने इस जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था वो मैंने इसी माइक को लगा कर रिकॉर्ड किया था, लेकिन मुझे अपनी आवाज़ इतनी अच्छी लगी नहीं थी, तो उसके बाद से मैंने इसको नहीं लगाया। लेकिन अब भूपेंद्र जी से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा जब माइक है तो उसका यूज़ करो। तो इस वजह से अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। केवल इसमें आपको बताना है कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। अब मैं इसका सेटअप दिखा देता हूँ आपको कि सेटअप कैसा है। जो दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये पूरा सेटअप है। ये ओलांजी का केस है, मोबाइल हैंडलर उसको लगाया हुआ है। ऊपर से माइक का इसमें इनपुट के लिए आता है, और नीचे हमारा गोरिल्ला बोर्ड है। तो ये पूरा हमारा सेटअप बना है। इसके बाद अभी हम दूसरा माइक कहाँ बन दीजिए, माइक को रखा है बराबर। इसके बाद हम ये वाला माइक लगा के, कॉलर माइक है, बोया का ही है BY-M1, इसको लगा के अपनी आवाज़ बताएंगे कैसी है। तो आपको डिसाइड करना है, तो हमें भी पता चल जाएगा एडिटिंग में से किसकी आवाज़ बढ़िया आ रही है, इस माइक की आ रही है, इनबिल्ट की आ रही है, या जो बोया का BY-M1 ये वायर वाला है इसकी आ रही है। तो अभी स्विच करते हैं इस वाले माइक। दोस्तों अभी जो आपने आवाज़ सुनी थी बोया का, इतना याद नहीं हो रहा तुझे, चलिए ऐसे तो आगे करवा दे। दोस्तों आपने जो अभी आवाज़ सुनी थी बोया का BY-M1 मॉडल के माइक से सुनी थी। अब हम आपको जो आवाज़ सुनाएंगे वो इस वाले माइक, जिसका मॉडल है BY-M1, इसके बारे में मयंक जी आपको बताएंगे थोड़ी डिटेल से। तो क्या है, ये वायर माइक है और वो था वायरलेस। वायर माइक में क्या आपकी लिमिटेशन हो जाती है, एक ही जगह पर आपको स्टिल वीडियो बनानी है तो उस हिसाब से तो 2 मीटर वायर है इसकी, बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्लॉग बनाना है, कहीं घूमने जाने के हिसाब से व्लॉग बनाना है या ट्रैवल व्लॉग बनाना है, तो उसमें वायर माइक काम नहीं करता। तो उस हिसाब से मैंने लिया था अपना बोया का BY-M1। मेरा सबसे पहला व्लॉग आपने देखा होगा इसी चैनल पर, माई फर्स्ट व्लॉग, उसमें मैंने यूज़ किया था बोया का BY-M1 माइक। तो उसमें उस टाइम मुझे आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो इस वजह से मैंने उसको बाद में यूज़ नहीं किया, मैंने फ़ोन का इंटरनल माइक ही यूज़ किया। तो अब जब भूपेंद्र जी ने कहा कि हम नई माइक यूज़ करेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है आवाज़ की, तो हम यूज़ कर रहे हैं। आगे आपको बताना है कि क्वालिटी बोया का BY-M1 से बढ़िया आ रही है या MM1 से बढ़िया, या फ़ोन के इंटरनल माइक से बढ़िया आ रही थी, ये डिसाइड करना है आपको। अब जो भी रिजल्ट आता है आप उसे कमेंट में कर दीजिएगा, अच्छी जो भी चीज़ लग रही है, जिस माइक के भी द्वारा लग रही है वो आप जरूर बताइएगा। मोबाइल से के द्वारा, खुद के मोबाइल के माइक से जो हमने रिकॉर्डिंग की थी उसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन इन दो मॉडलों का सेंस बनता है, तो इसलिए इनको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए अभी ऑफिस में थे, ऑफिस में सारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो रहे भूपेंद्र जी पीछे, अपना सिस्टम कर रहे हैं वो शटडाउन, फिर चलेंगे अब घर, घर के लिए अभी हम भी अपना खाने का टिफिन उठा लेते हैं, चलते हैं घर। इस दिन आपको पूरा अपना ऑफिस टूर भी कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं फिलहाल। अगर आपको ये हमारा दोनों का रिव्यू अच्छा लगा हो तो बताना कैसी लगी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब लाइक
सब कुछ करना है, जो भी करना है करना जरूर है। लाइक नहीं करते तो डिसलाइक कर दो, लेकिन करो जरूर, और कमेंट में जरूर बताओ कि हमारे वीडियो में क्या कमी रह गई है क्या नहीं। धन्यवाद। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se dosis.